इट्स बिन मोर देन 60 डेज जब हमने अपना ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया था कि हम अपनी यूपीएससी की जर्नी के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे और मैं अपनी तैयारी में आपको बताता चलूँगा कि मैं कहाँ और कैसे अपनी तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ बाकी लाइफ है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। इट्स बिन क्वाइट गुड डेज फॉर मी नाउ कि जब हम तैयारी कर रहे हैं अपनी और काफ़ी अच्छे से मेरी तैयारी हो भी रही है। बट द फैक्ट इज़ कि आई हैड टू ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ कैग ऑन 1st of December। इट्स बिन मोर देन 15 डेज दैट आई ज्वाइन और अब जाके थोड़ा बहुत सेटल्ड हुआ हूँ मैं यहाँ पे विजयवाड़ा में। बट नाउ द पॉइंट इज़ कि 9 घंटे की ऑफिस ड्यूटी और उसके बाद देन यू रिक्वायर सम टाइम फॉर योर सेल्फ टू बी स्टेइंग एट होम फॉर रेस्ट एंड ऑल। इट टेक्स समवेयर अराउंड 12 आवर्स। बाकी के 12 घंटे में से आपको चूज़ करना पड़ता है कि कितने पढ़ाई करनी कितनी नहीं करनी। फ्रेंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट सेटल्ड इन प्रॉपरली टू शोकेस यू कि हाउ आई एम मैनेजिंग माई स्टडीज विद अदर थिंग्स एंड लिटरली स्पीकिंग आई वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली मैनेज इट एज वेल। बट नाउ आई थिंक आई हैव बीन इन द प्लेस फॉर क्वाइट लॉन्ग और अब काफ़ी चीज़ सेटल हो चुकी हैं। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑन द थिंग्स। बट द पॉइंट अगेन कम्स कि देर आर नो गुड थिंग्स टू शो यू इन द ऑफिस बिकॉज वो अलाउड होगा नहीं। सो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द डे टाइम विच आई प्रेफर टू स्टडी बट द नाइट टाइम्स एंड देन कीपिंग द हेल्थ एक्टिव एंड active enough to perform the daily duties at the office and then active again enough to come back from the office and study here. तो वो एक major चीज़ है जो अभी चल रही है। side by side things are going on, the talks with the family about the marriage, how it has to be done. I'm trying to give some updates about the things that I read on the Hindu newspaper or let's say on the things which I read from my textbook, let's say the history of modern India spectrum या फिर ancient India या फिर lexicon की book या फिर मैं psychology की। So basically is कि to keep you upright with me on my journey, it seems to be a slightly on the edge कि अब आपको मैं किस तरीके से अपने साथ साथ अपनी तैयारी में दिखाऊँ क्योंकि दिन में 4-5 घंटे ही मुझे मिल रहे हैं properly पढ़ने के लिए। उसमें to get in touch with you as well, it seems to be slightly difficult. I request you to put on the comments कि क्या क्या टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं while we study। एक तो मेजर पार्ट में यही दिखता है कि जॉब के साथ साथ आप अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हो एंड इन दैट पार्ट ट्रस्ट मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर गोना गेट अ कम्प्लीट शेड्यूल फ्रॉम माई एंड कि मैं कैसे और कितनी तैयारी करनी स्टार्ट कर रहा हूँ और कैसे हम उस एंड तक पहुँचेंगे। तो 60 डेज़ का प्रोग्राम हमारा 120 डेज का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है। सो द पॉइंट इज़ कि हाउ फार यू विल बी एबल टू रीच बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि June 5 को है विद द स्ट्रेटजी विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम विद द जॉब फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टूवर्ड्स योरसेल्फ टू स्टडी फॉर द नेशन बिकॉज एट द एंड इट इज़ द सर्विस ऑफ द नेशन दैट यू वॉन्ट टू डू whether being an IAS officer, IPS or any other allied services or to any other department which maybe I am in now or apart from everything if at all you want to join an NGO or let's say for a member of parliament or member of legislative assembly, anything that you want to do for our age group people or the people who are aspiring to be in somewhere some respected job areas, we all aspire to serve the nation first and then the rest of the things second. So for us it is very important to manage our daily lives, day-to-day lives, so as to manage the bigger picture, bigger districts and then the nation itself. Thank you guys.